डियर स्टूडेंट प्लीज़ नोट दैट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीए ऑनर्स इंग्लिश सेमेस्टर 1 टू अटेंड फेस टू फेस काउंसलिंग्स एंड देयर आर नो मार्क्स फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग। यार सिंपल सी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है और इस पर कुछ ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। साफ सीधा मतलब इसका ये है कि किसी भी कोर्स से आप बिलोंग करते हो, बीए ऑनर्स हो, बीए प्रोग्राम हो, बीकॉम ऑनर्स हो या बीकॉम प्रोग्राम हो, आपको काउंसलिंग अटेंड करना कंपलसरी नहीं है और आपके कोई मार्क्स ऐड नहीं करे जाएंगे अटेंडेंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब CBCS सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था तो उस सिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ पर जो आपका इवेल्यूएशन सिस्टम है, मार्किंग इवेल्यूएशन सिस्टम है, उसमें आपका 75% थ्योरी पेपर होता है और 25% प्रैक्टिकल। अब 25% थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं, आप इसको असाइनमेंट भी कह सकते हैं, प्रैक्टिकल कहूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल असाइनमेंट 25% होता है और उस 25 मार्क्स में से जो 5 मार्क्स होते हैं वो अटेंडेंस के होते हैं CBCS के अकॉर्डिंग। लेकिन अब DUSOL खुद ये SMS भेज रहे हैं बच्चों को कि क्लास अटेंड करना या फिर कहीं काउंसलिंग अटेंड करना कंपलसरी नहीं है और इसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात यह है दोस्तों, इसमें कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या क्लास होगी या नहीं होगी। क्लास होगी लेकिन काउंसलिंग अटेंड करना कंपलसरी नहीं है। ये डाउट जो आ रहा था कि CBCS आने के बाद कि क्लासेस कंपलसरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ है। इसके पीछे काफ़ी रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि DUSOL के अंदर सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स ही एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, दिल्ली के बाहर के भी स्टूडेंट्स होते हैं, UP वगैरह के, गुड़गांव हरियाणा वगैरह के, जो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि क्लास अटेंड वो कर सकें। इवन जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे जानबूझकर SOL में एडमिशन लेते हैं क्योंकि उनको अपने SOL के साथ कोई रेगुलर कोर्स वो कर रहे होते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स हो गया, CA हो गया या फिर कोई और लैंग्वेज कोर्स वो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से भी उनका एक रीज़न होता है कि वो SOL में एडमिशन लें, ओपन लर्निंग से कोर्स करें। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पर अटेंडेंस कंपलसरी नहीं रखी गई है SOL के द्वारा। हो सकता है वो कुछ और तरीका निकालें इवेल्यूएट करने का आपके मार्क्स, जो अटेंडेंस के मार्क्स 5 होते हैं, हो सकता है थ्योरी पेपर है उसमें ऐड कर दें, 80 मार्क्स का पेपर कर दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके असाइनमेंट 25 मार्क्स के कर दें, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि असाइनमेंट भी आपको ना मिले, थ्योरी पेपर आपका पूरा 100 मार्क्स का कर दें। इन सब चीज़ों पर दोस्तों कन्फ्यूजन है, डाउट है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है SOL की तरफ से, ठीक है। आप से मैं ये रिकमेंड करूँगा, आपको पता तो चली गया कि PCB अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यार अगर अटेंड करोगे तो आपको मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टीचर्स जो हैं वहाँ पे उनके द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसीलिए हम आपसे बार बार रिकमेंड करते हैं कि क्लासेस आप ज़रूर अटेंड करिएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि टाइमिंग क्या है। देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल था जो कि न्यूज़ में एक आर्टिकल आया था, उसके अंदर ये बताया गया था कि जो क्लासेस हैं वो डबल शिफ्ट में हो रही हैं, ठीक है। डबल शिफ्ट का मतलब मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, जो सेंटर्स हैं उसकी कमी की वजह से। तो जिन बच्चों को भी 12:50 PM का जो SMS आया था, तो वो कंफ्यूज मत हो, उनको अपने SMS के अकॉर्डिंग ही अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में चले जाना है। अब एक और चीज़ दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले SOL ने अपनी वेबसाइट पर जो है PCP सेंटर की अपडेटेड लिस्ट अपलोड करी थी, लेकिन अब फ़िलहाल सिर्फ BCOM की ही वहाँ पर अवेलेबल है, BCOM और BCOM ऑनर्स की। जो पहले BA प्रोग्राम की लिस्ट अपलोड हुई थी 2 दिन पहले, वो वहाँ से हटा दी गई है, पता नहीं क्यों हटाई है SOL ने। लेकिन क्लासेस कल हो रही हैं, बस ये डाउट है कि कॉलेज में कौन कौन से जाना है। जिनको किसी भी SMS नहीं आया किसी भी तरीके का, तो वो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, या फिर नॉर्थ कैंपस पहुंच जाइएगा, वहाँ पर आप पता करिएगा कि कौन से कॉलेज में BA प्रोग्राम की क्लास हो रही हैं। तो ये आपके पास एक चांस बचा है, इसके अलावा और कोई चांस आपके पास नहीं है, क्योंकि सेंटर की लिस्ट वेबसाइट से हटा दी गई है। और हम आपको वेबसाइट पर अगर लिस्ट होगी सेंटर की, तो ही बता सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में क्लासेस हो रही हैं BA प्रोग्राम की। बाकी इंग्लिश ऑनर्स और BCOM ऑनर्स का तो एक ही सेंटर है, BCOM ऑनर्स का SCGB खालसा कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में,
और इंग्लिश ऑनर्स का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश सॉरी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट है जो कि नॉर्थ कैंपस में ही है। बाकी बीकॉम प्रोग्राम के मेल और फीमेल स्टूडेंट की लिस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पर। इसके अलावा बीए ऑनर्स इंग्लिश के 3 सेंटर थे, शिवाजी कॉलेज था और साउथ स्टडी सेंटर था और आर्ट फैकल्टी था, तो इनके भी 3 सेंटर हो गए हैं। बजा बीए प्रोग्राम, अनफॉर्चुनेटली बीए प्रोग्राम की लिस्ट नहीं मिल पा रही है। आप विज़िट करके देखिए कल कॉलेज में, जिनको SMS आया है एटलीस्ट वो लोग तो विज़िट कर लीजिए, ठीक है। जिनको SMS नहीं आया उनको भी विज़िट करना है, उनकी भी क्लासेस होंगी, लेकिन आप अपना कॉन्टैक्ट बना के रखिएगा फ्रेंड से अगर आप कल क्लास लेने जाएँ तो, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करना था। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।